हेलो एवरीवन, हम क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है बॉडी मूवमेंट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है क्लास सिक्स साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो क्या रीज़न है जिनकी वजह से उनकी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की। आप ये बात इमेजिन कीजिए कि हमारी बॉडी जो है, अगर वो एक सिंगल बोन से बनी होती तो हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता? बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी जो है, हमारे ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, वो बहुत सारे बोन से, बहुत सारे कार्टिलेज से, बहुत सारे मसल से मिलकर के बनी होती है। जो बोन्स होते हैं उनमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं जॉइंट्स की वजह से ये सारे मूवमेंट बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं जॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसमें किन किन जगह पर कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो जॉइंट जो होता है वो हमारे शोल्डर में जहाँ पर हम देखें, जहाँ पर जो हमारा हैंड है वो जुड़ा होता है शोल्डर से, वहाँ पर ये जॉइंट जो है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जगह पर एक तरीके से गोलाकार आकार में, राउंड शेप में एक कैविटी होती है, जिसमें दूसरी जो बोन है वो जुड़ी हुई होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके के जो जॉइंट्स हैं उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स इस तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से जगह पर ह्यूमन बीइंग में कौन सा जॉइंट पाया जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो जॉइंट है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, इससे जो हमारा हाथ है वो कनेक्ट हो पाता है हमारे शोल्डर से। नेक्स्ट जॉइंट है पिवोटल जॉइंट, और ये जो पिवोटल जॉइंट है इसमें हमारी जो नेक है वो हेड से कनेक्ट हो पाता है। मतलब हेड और नेक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट, और इसी जॉइंट की वजह से जो हमारा हेड है वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, और दाएं बाएं जो है लेफ्ट और राइट में भी बेंड हो पाता है। ये जो पिवोटल जॉइंट होता है इसमें एक सिलेंड्रिकल बोन जो है वो एक रिंग में रोटेट करती है। नेक्स्ट जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो हमारे नी में देखने को मिलता है, और इस जॉइंट में जो बोन है वो आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में कुछ फिक्स जॉइंट भी होते हैं, जैसे कि आप अपने माउथ को जब ओपन करते हो तो आपका जो अपर जॉ जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। मतलब अपर जॉ जो है वो आपके हेड से कनेक्ट होता है और फिक्स मूवमेंट में होता है, फिक्स जॉइंट होता है। तो ये फिक्स जॉइंट का एग्जांपल है आपका अपर जॉ। ओके, और जो आपका जो लोअर जो है उसमें जो है वो मूवमेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है, आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक स्केलेटन से बनी होती है। स्केलेटन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोन्स होती हैं, और बोन्स जो हैं उसके ऊपर फिर मसल्स देखने को मिलती है, कार्टिलेज बॉडी में होते हैं, इन सभी बोन्स में जॉइंट होते हैं, और उसी के बेसिस पर जो बॉडी है उसको एक बेहतरीन आउटर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने बात की स्केलेटन की। अब हम बात कर लेते हैं हमारी बॉडी की जो चेस्ट है, वहाँ पर अगर आप टच करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ यहाँ पर भी बोन है, और जो बोन है वो पीछे जो हमारा बैकबोन होता है उसको जा करके एक तरीके से क्या होती है, जॉइंट होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिब केज। ये जो रिब केज है वो हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सॉफ्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको यहाँ पर सेफली जो है वो सुरक्षित तरीके से रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है शोल्डर बोन का, आप देख लीजिए शोल्डर बोन है। यहाँ पर जो है वो आपकी पेल्विक बोन है। ये स्कल के बारे में बता रखा है कि स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को एक तरीके से सेफली रखता है। अब बता रखा है कि हमारी बॉडी में बोन के अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं जो बोन के जितने हार्ड नहीं होते हैं और उनको मोड़ा जा सकता है। मतलब हार्ड तो होते हैं लेकिन बोन के जितने हार्ड नहीं होते हैं उनको बेंट किया जा सकता है, और इन पार्ट को बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे कि आप अपने ईयर को टच करो वहाँ पर आपको कार्टिलेज का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट में जो हमारी मसल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि कोई भी बोन जो है वो आगे पीछे मूवमेंट कर रही है तो उस मूवमेंट करने में दो मसल जो हैं वो एक तरीके से साथ में मिलकर के जॉइंटली काम करती हैं, तब जा करके एक जो बोन है उसमें मूवमेंट देखने को
मिलता है। जब भी कोई बोन जो है उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और एक मसल जो है उसमें क्या रिलैक्स देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद में जो रिलैक्स्ड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट मसल है वो रिलैक्स्ड होएगी। इस तरीके से जो बोन है वो चल पाती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक मसल जो है वो सिर्फ पुल कर सकती है, वो पुश नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ओके, और किसी भी बोन के मूवमेंट के लिए दो मसल जो हैं वो टुगेदर मिलकर के, साथ मिलकर के काम करती हैं, तब बोन में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ तक हमने ह्यूमन के बारे में तो बेसिक फैक्ट जान लिए। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से जो एनिमल हैं, कौन कौन से उनमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म जो है आपने देखा होगा कि सोइल में ये जो हैं वो काफ़ी चलते रहते हैं। जो अर्थवर्म है इसकी जो बॉडी होती है उसमें, इसकी जो बॉडी होती है ना वो कुछ स्लीमी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। इसकी जो बॉडी है वो मसल से मिलकर के बनी होती है और मसल से ही इनकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको टाइनी ब्रिस्टल्स बोलते हैं, और ये इनके मसल से जुड़े होते हैं जो सोइल में इनको एक तरीके से स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, मतलब ग्रिप बनाने में इनकी हेल्प करते हैं। और किस तरीके से जब ये अर्थवर्म जो है आगे बढ़ते रहते हैं तो रास्ते में जो भी इनके सोइल आती है उनको ये खाते रहते हैं, और जो अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द मटेरियल जो ये खाते हैं उसको बाहर निकालते रहते हैं। और इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो अर्थ को, सोइल को जो है वो काफ़ी एक तरीके से यूजफुल बना देते हैं, और ये प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल में इस तरीके की एक आउटर स्ट्रक्चर जो हार्ड होती है, लेकिन ये बोन से मिलकर के नहीं बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको शेल बोलते हैं, और ये इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ओके, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। द सेल इज़ ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब ये जो है हेल्प नहीं करता है, इसके जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो इसमें जाकर के छिप जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है। और जब चलना होता है तो बॉडी के इस आउटर स्ट्रक्चर से कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं जो मसल के थ्रू जो है इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच में भी जो पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, उनमें थ्री पेयर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो बॉडी पर स्केलेटन देखने को मिलता है, स्केलेटन जो है वो भी पार्ट्स में डिवाइड होता है, पंख जो है वो भी एक तरीके से जुड़े होते हैं जिससे जो बॉडी मूवमेंट है वो बनी होती है। नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड जो है उसका जो पीछे के जो पांव हैं वो अपने आप को इस तरीके से अडेप्टेशन कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं कि वो बैठ सके और चल सके। आगे के जो पांव हैं वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के रूप में, और यहाँ पर जो उनकी चेस्ट की जो बोन होती हैं वो एक तरीके से खोखली होती हैं, हेलो होती हैं, और इनमें जो यहाँ पर देखिए लाइट होती हैं, जो उनकी बोन्स होती है ना वो हेलो होती हैं और लाइट होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बता रखा है फिश के बारे में कि देखो फिश की जो बॉडी होती है, फिश की बॉडी की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। इसकी वजह से जो जब भी फिश मूवमेंट करती है तो इसका जो मिडिल पोर्शन होता है वो इस तरीके से ख़त्म होता है कि यहाँ पर इस तरीके से इसका जो माउथ का जो पार्ट है वो इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड शेप में होता है, तो वाटर जो है उसको चीरते हुए आगे बढ़ती है और वाटर इस तरीके से साइड से निकलता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फिश जो होती है वो इस तरीके से तैरती है कि मतलब अल्टरनेट तरीके से उनकी बॉडी में मूवमेंट देखने को मिलेगा कि आगे का जो माउथ है अगर वो इस साइड है तो पीछे का पार्ट जो है वो इस साइड होगा, फिर आगे का मुंह इस साइड है तो इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फिश जो है वो ट्रेवल कर पाती है, मतलब मूवमेंट कर पाती है, उनमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। फिश की बॉडी में कुछ अदर फिन भी होते हैं जो उनकी बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्पफुल होते हैं और डायरेक्शन देने में हेल्पफुल होते हैं जब वो स्विम कर रही होती हैं। तो इसी तरीके से जब लोग स्विमिंग करते हैं तो वो भी अपने पाँव में, जो आपने देखा होगा कि जो भी इस तरीके की सी ड्राइविंग करते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो पाँव में इस तरीके के फ्लिपर पहनते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर स्नेक के बारे में बताया हुआ है कि स्नेक जो है उसमें एक लॉन्ग बैकबोन होती है,
टाइनी थिन मसल्स होती हैं उनकी बॉडी में, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, बैकबोन, रिब्स और स्किन जो है वो कनेक्टेड होती है, इनकी जो बॉडी है उसमें कर्व देखने को मिलते हैं और ये जो एवरी कर्व जो है वो इनकी बॉडी को आगे की तरफ सपोर्ट देता है जो इनके लिए हेल्पफुल रह पाता है। ओके, स्ट्रेट लाइन में जो स्नेक जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं और काफ़ी तेज गति से चलते हैं, ये जो हर जो यहाँ पर जो कर्व है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है उनको। तो ये हमने एनिमल और ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसमें क्या क्या मूवमेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो बोन्स कार्टिलेज से मिल करके स्केलेटन बनाती है और ये चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, हमारे इनर जो ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं। स्केलेटन में स्कल होती है, बैकबोन होती है, रिब्स होती है, ब्रेस्ट बोन होती है, शोल्डर हिप बोन्स होती है और एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। बोन जो है उनमें एक तरीके से कॉन्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलता है और इसमें टू सेट ऑफ मसल जो है वो हेल्प करती हैं। बोन में जॉइंट्स देखने को मिलते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग जॉइंट पाए जाते हैं और ये जॉइंट जो है इनके नेम जो है वो बोन की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है कि सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर पा रहा है या सिर्फ आगे पीछे ही बोन मूवमेंट कर पा रही है उसके बेसिस पर ये जॉइंट के जो नेम हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पर बता रखा है बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स में स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, लाइट बोन्स होती हैं जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। फिश जो है वो अल्टरनेट तरीके से ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी उसके तरीके से लूप बनाती है और ट्रेवल कर पाती है। स्नेक जो है उनमें भी साइडवेज लूपिंग देखने को मिलते हैं, जो भी उनकी बोन्स जो होती हैं, मसल जो होती हैं वो एक तरीके से जॉइंट होती हैं। यहाँ पर कॉकरोच के बारे में, अर्थवर्म के बारे में बताया हुआ है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्नेल जो है वो मस्कुलर फुट के थ्रू जो है हेल्प करता है। तो ये चैप्टर के बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।